आदरणीय भुंटे जी, चौधरी राम जी, हेमलता जी, हमारे वरिष्ठ साथी और भाई दिलीप जी और कनिष्ठ भाई अशोक दास जी, मंच पर जितने साथी विराजमान हैं, आयोजनकर्ता नरेश रघुनंदन जी, पूरी टीम, आप सबको बधाई और जय भीम नमो बुद्धाय। शानदार, मैं कल शाम में आया हूं यहां पर और कल शाम से ही घूम रहा हूं, तो यह देखकर मैं बिहार का रहने वाला हूं और गया और गोरखपुर तमाम ऐसे जगह पे मैं घूमा हूं, लेकिन दक्षिण कोसल की राजधानी शिवपुर को देखकर मैं अचंभित हूं। अद्भुत है, इसलिए इसको दुनिया भर में पहुंचाने के लिए जो इन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, उसके लिए मैं सबसे पहले आयोजक मंडल को और यहां के जितने साथी सहयोगी हैं सबको मैं तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं। और इतने बड़े कार्यक्रम में आपने मुझे बोलने के लिए बुलाया, वैसे मैं प्रोफेशनल वक्ता नहीं हूं, शिक्षक हूं, लेकिन कभी कभी बोल लेता हूं, क्लासरूम में ज्यादा होता हूं, तो इसके लिए आभारी हूं और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। मुझे यह पता नहीं था कि मुझे अचानक यहां बोलना पड़ेगा, मैं क्लासरूम सेमिनार रूम के हिसाब से तैयार होकर यहां आया था, लेकिन भाई नरेश ने कहा कि 2-4 मिनट आपको भी यहां बोलना ही पड़ेगा, तो मैं जो विषय तैयार करके आया हूं बोलने के लिए, खास तौर से धर्मांतरण और अंबेडकर, और एक मैं इससे यूट्यूब चैनल भी चला रहा हूं, उसका नाम है अंबेडकर नामा लाल की क्लास, तो बहुत सारे धर्मांतरण में 500 एपिसोड मिलेंगे, तो जो मैंने पढ़ा है समझा है वही बताने की कोशिश सेमिनार में करने के लिए आया था, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि उसकी थोड़ी सी झलकी इस 5 मिनट में आपको बता दूं कि सेमिनार में विस्तार से उस पर चर्चा करेंगे। महानदी के किनारे है, इसलिए महानदी से ही उदाहरण दे देता हूं कि देखिए बौद्धवाद और अंबेडकरवाद एक नाम की तरह है, नाम कि अगर उस पर बैठ के दरिया पार करेंगे तो आप दूसरे किनारे पहुंच जाएंगे, अगर उसको कंधे पे लेकर नदी पार करना चाहेंगे तो खुद भी डूबेंगे और उस नाव को भी डुबा देंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि दोनों दर्शन एक जीवंत दर्शन है, एक लाइफ फिलॉसफी, इस बात को समझना है। तो ये दर्शन जिंदा कैसे होता है, अंबेडकर साहब ने कई उदाहरण दिए हैं विस्तार से कभी और, लेकिन वो जिंदा अपने आप नहीं होता है, परिवर्तन अपने आप नहीं होता है, परिवर्तन लाना पड़ता है, उसको जिंदा रखना पड़ता है, और कौन रखेगा इसके लिए, कोई आप समझ रहे अवतार होगा, अवतार नहीं होता है। ये हम सबको जिंदा रखना है, हम ही सब हमारी जिम्मेदारी इसे जिंदा रखना है। अब कई बार देखिए किस तरीके से हजारों साल में मिथक फैलाया गया है कि बौद्ध धर्म होने का मतलब है कि सब लोगों को जो है चीवर धारण करना है, सब यही समझते हैं, उसमें उपासक बौद्ध संघ उपासिका सबके अलग अलग नियम बताए गए, सबके अलग अलग कर्तव्य बताए गए, काम बताए गए, लेकिन धीरे धीरे हजारों साल में आपके कान में यह फूंक दिया गया, हमारे कान में यह फूंक दिया गया कि बौद्ध धर्म का मतलब है सिर्फ जाके मठ में रहना, नहीं ये नहीं, ये काम हम लोग का है कि हम लोग को साधारण शब्दों में आपके पास वो सूक्ष्म बातें, साधारण बातें आपको पहुंचाए। लगता है मुझे कि सदियों से हमने ये प्रयास नहीं किया, बहुत सारे कारण है वो विस्तार में कभी और मैं बात करूंगा, लेकिन वो मुझे ये समझना है कि हम सबको रोज डॉक्टर अम्बेडकर बढ़िया एग्जाम्पल देते हैं, कहते हैं कि स्कूल में बच्चा को आप भेजते हैं और एक दिन भेजकर
उसको घर में बैठा लीजिए और कहिए कि वो जो है पूरी ज्ञान अर्जन कर ले, सब कुछ सीख जाए। ये गलत है, ये कदापि संभव नहीं है। उसको स्कूल में 5 घंटे रखते हैं रोज, कई बरस वहां अध्ययन करता है तब उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसी तरह जो बात हम लोग समझते हैं उसको रोज याद दिलवाना पड़ेगा, रोज कान में जाके बोलना पड़ेगा। सिर्फ पाठ नहीं करना पड़ेगा कार्यक्रम में, रोज आपको जाकर बोलना है, ये बात समझना है। डॉक्टर अंबेडकर ने यह भी कहा था कि भारत का असली इतिहास जो है वो पन्नों में नहीं है, वो साहित्य में नहीं है असली इतिहास। अगर असली इतिहास जानना है तो जाकर पत्थरों को देखो, आपके सामने रखा हुआ है बुद्ध के पूरे भूमि पर, और क्या बन रहा है आप देख लीजिए। कुछ मंच के माध्यम से बहुत गंभीरता से बात करता हूं, मैं इतिहास का छात्र हूं। आप चले जाओ साकेत कैसे अयोध्या बन गया, आप गया में चले जाओ, वास्तव मुकदमा कितने मुकदमे चले, मैंने तो अपनी किताब में लिखा है। वहां धीरे धीरे इंक्रोचमेंट हो रहा है। डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा यह बताना कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म की शाखा है इस सबसे बड़ी बेईमानी है, और न बुद्ध विष्णु के अवतार है। आप कहीं चले जाइए, डॉक्टर काशी प्रसाद जसवाल ने लेख लिखा था, बड़े इतिहासकार हुए भारत के, लेकिन पिछले समुदाय के थे तो उनके बारे में कुछ चर्चा ही नहीं हुई। वो ऑक्सफोर्ड में पढ़े थे, वो जब लौट के आए थे तो रामेश्वरम धाम गए थे घूमने, और उन्होंने वो एक आर्टिकल लिखा रामेश्वरम धाम पे कि रामेश्वरम धाम में जो शैतान कहकर जिसको चपत लगाया जाता है वो शैतान नहीं है, वो बुद्ध की मूर्ति है। उस लेख को मैंने अपने किताब में छापा है। काशी प्रसाद जसवाल ने कुर्तिहार में, गया के पास है कुर्तिहार मठ, वहां पे एक्सकेवेशन किया था, खुदाई की थी, और वहां से सैकड़ों की संख्या में बुद्ध अवशेष प्राप्त हुए थे। वो पटना म्यूजियम में अभी भी रखा हुआ है। मैंने सोच किया मैं गया था वहां, और मैं गया कुर्तिहार घूमने, तो वहां देखा कि वहां पे एक पुजारी है और राम सीता की मंदिर बन गया है, हनुमान जी बाहर गदा लेके बैठे हुए हैं। मैंने फोटो और वीडियो बनाकर 2017 फरवरी मेरे फेसबुक पर जाकर देखेंगे, मैंने लगा दिया। तो सारे अवशेष ये आपके हैं, जो समाज जिंदा रहता है उसकी संस्कृति भी जीवित रहती है, उसका राजनीति भी जिंदा रहता है। समाज को जागृत करना है, समाज जागृत जिस दिन होगा हम सब जागेंगे, तो आपके सामने जो हो रहा है वो देखिए, अपनी विरासत को जाइए, उस पर दावा ठोकिए, उसको वापस भेजिए। कौन करेगा ये, हम ही आपको करना है। डरना मना है, डरना मना है। और डॉक्टर अंबेडकर डरते, इतना दिन लोहा ले रहे थे, इतने अंग्रेजों से भी और कई विचारधाराओं से भी, उसको सुनिए, उनको पढ़िए। आई एम री इन्वेंटिंग अंबेडकर, डिजिटल अंबेडकर, जिनको पढ़ने का टाइम नहीं है, जिनको कुछ नहीं, आप सुन सकते हैं 10 मिनट जाकर। तो यही सवाल है साथियों, मैं अगले सेमिनार में मैं 2 महत्वपूर्ण भाषण के बारे में चर्चा करने वाला हूं जो डॉक्टर अंबेडकर ने दिया था। एक दिया था 1954 में, वो बर्मा में बुद्धिस्ट शासन काउंसिल के सामने बहुत जबरदस्त भाषण है, उस भाषण को सबको पढ़ना चाहिए। और एक 4th बुद्धिस्ट इंटरनेशनल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुआ था नेपाल में, काठमांडू में, जो कि हिंदू राष्ट्र था, और शाही महल में नेपाल के राजा के सामने बौद्ध धर्म की महानता पर शानदार भाषण हुआ था। उस 2 भाषण में मैं अपनी बात सेमिनार में रखने वाला हूं। तो इसीलिए साथियों, हमारे नेता जब बाहर जाते हैं तो क्या कहते हैं, किसी नेता ने नहीं कहा कि मैं मनु की धरती से आया हूं, किसी नेता ने नहीं कहा। तो इंटरनेशनल ब्रांडिंग किसकी है, बुद्ध की, कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूं, युद्ध की धरती से नहीं आया हूं। तो इंटरनेशनल ब्रांडिंग जो हो रही है, तो कम से कम इस देश में जितनी जो बुद्धिस्ट जो धरोहर है
उसको जो है लीला में मत फंसने दीजिए, उसको बचाइए, उसको संजोइए। ये समझना होगा, ये बड़ी साजिश चल रही है। कान में फूकने की जो साजिश चल रही है, इसका कारण लगता है हमारी कमजोरी नहीं, हम लोग को उस तरह से ट्रेनिंग नहीं दिया गया। हम लोग को घर घर जाकर, डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है कि भारत का इतिहास क्या है, बोला कुछ नहीं है, बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म का लड़ा संघर्ष है, ये इतिहास है भारत का। और मुझे दिख रहा है सिरपुर में, वो प्रमाण मुझे दिख रहे हैं। इसे मुझे लगता है कि सिर्फ हम जो संगोष्ठी कर रहे हैं बहुत ही कारगर कदम है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस आंदोलन को बचाया जाना चाहिए, बढ़ाया जाना चाहिए। कि सारे जो बुद्धिस्ट हमारे सेंटर्स हैं उसको वापस किया जाए और हम लोग सबको चलकर घर घर जो है बौद्ध के विचारों का, बुद्ध के विचारों का, बौद्ध धर्म के विचारों का, अंबेडकर के विचारों का प्रचार प्रसार करना चाहिए। बगैर प्रचार प्रसार किए हुए, बगैर विमर्श किए हुए, बगैर बोले हुए कोई भी विचारधारा जिंदा नहीं रहेगी। शुक्रिया साथी, जय जय।